नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र पाल सिंह यादव की किच्छा फ्लोर मिल और घर पर आईटी की छापेमारी। मसूरी कैंपटी रोड फायर स्टेशन के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, ड्राइवर और कंडक्टर घायल। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित को लेकर उत्तरकाशी में चलाया गया विशेष जन जागरूकता स्वच्छता अभियान। पिथौरागढ़ के ढूंगटोली में बाघ का बकरियों को बनाया चारा। उत्तराखंड के किच्छा में मौजूद राजस्थान सरकार के गृह और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र पाल सिंह यादव की फ्लोर मिल और घर पर इनकम टैक्स की टीम ने आज सुबह करीब 8:30 बजे रेड मारी। इनकम टैक्स की टीम ने फ्लोर मिल और आवास विकास किच्छा में मौजूद उनके घर पर एक साथ रेड मारी है। उत्तराखंड में इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी राजेंद्र पाल सिंह यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दरअसल इनकम टैक्स रेड की टीम इसके अलावा कई और राज्यों में भी छापे मार रही है। चुनाव में हुई फंडिंग के साथ ही कई और मामलों को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान में भी इनकम टैक्स की टीम रेड मार रही है। यूके में भारत के महावाणिज्य दूतावास एडिनबर्ग इंडिया द्वारा एक उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव मेगा इवेंट बीती 3 सितंबर को एडिनबर्ग के खचाखच भरे अशर हॉल में आयोजित किया गया। ये पहली बार था जब स्कॉटलैंड में व्यापक दर्शकों के सामने उत्तराखंड लोक नृत्य किया गया था। गोयवाला के रच्छीवाला वन क्षेत्र से लगे सिमलास ग्रांड ग्राम पंचायत के झोड़ोदा गांव की कॉलोनी के पास एक अजगर निकल कर आया। अजगर ने एक बंदर को निवाला बनाने की नियत से जकड़ा हुआ था, लेकिन घास देने जा रही दो महिलाओं पर यह अजगर झपट पड़ा। 15 फुट लंबा और लगभग 50 किलोग्राम के अजगर को गांव के युवाओं ने पकड़ लिया और सतीवाला वन चौकी के पास जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वन विभाग के कर्मचारी के नहाने से लोगों में खासा रोष है। ये यहाँ पे खेत में ये कॉलोनी के पास सर, और वहाँ पे बंदर पकड़ रखा था और दो लेडी से घास लेने जा रही थी, उनको झपट्टा मारने की कोशिश करी इसने एकदम। अच्छा, तो बच गए लोग? हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम यहाँ शिमला से वापस आए। तो कितना लंबा है ये सर? ये 10 से 12 फुट के करीब होगा। 10-15। तो आपने फॉरेस्ट वालों को नहीं बताया? फॉरेस्ट का कोई नहीं रहता इतने टाइम। जबकि ये सती वाला चौकी का एरिया। हाँ जी, हाँ जी, लच्छी वाला रेंज का। हाँ जी, तो बच गए लोग? हाँ जी, इसका 50 किलोमीटर। हाँ, फॉरेस्ट कर्मी ने यहाँ पर चौकी को एकदम से ताला लगा के, खैर कहीं गए उन्हें नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे एक व्यक्ति तो उनका रहना चाहिए क्योंकि हाईवे रोड है। रोड में और ये जो यहाँ से जाना जंगल में करते, जंगल है, आबादी जंगल, आबादी भी है, तो यहाँ पे एक कर्मचारी जरूर रहना चाहिए हमेशा। चौबीस तो लड़कों ने आज अजगर बहुत अच्छा काम किया है, जो इन्होंने अजगर पकड़ा है। काफ़ी बड़ा अजगर है, बचा लिया। बार देखा हमने, लगभग लगभग इसका वेट होगा 40 से 50 के बीच में लगभग। बचा लिया लोगों क्योंकि महिलाएं घास काटने, क्योंकि महिलाएं घास काटने जा रही थी, उनको बचाया इन्होंने, एक बहुत अच्छा काम किया। तो फॉरेस्ट से अपील की कार्रवाई करें, मतलब गश्त करें। जी जी, इस तरह से अगर कोई जानवर आता तो? जी जी, फॉरेस्ट वालों से हमारी यह है कि आप यहाँ पर रहें, एक व्यक्ति क्योंकि इस समय गर्मी भी का वो भी हो रहा है, थोड़ा मौसम भी संतुलित हो रहा है, तो यहाँ पर परमानेंट रहे। रात को भी क्रॉस होते हैं सड़क में ना, कई बार देखा गया है। हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर लक्सर में भी खंड विकास कार्यालय में नामांकन पत्र जमा कराने और उनके विक्रय के लिए व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बैनीवाल और निर्वाचन अधिकारी विजय देवराड़ी मौके का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उनके द्वारा खंड विकास कार्यालय में स्थापित किए गए नामांकन पत्र जमा करने और विक्रय संबंधित काउंटर समेत अन्य जगहों का निरीक्षण किया गया। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और मैं अभी विकास खंड कार्यालय लक्सर में आया हूं। यहाँ पर नामांकन की जो प्रक्रियाएं हैं वो आरओ एआरओ के स्तर से बहुत विधिवत तरीके से संचालित हो रही है और वोटर लिस्ट वगैरह देने की जो कार्रवाई है वो बीडीओ के द्वारा की जा रही है और जो नामांकन प्रपत्र खरीदे जा रहे हैं वो भी बीडीओ साहब के स्तर से वितरण किए जा रहे हैं और यहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, शांति व्यवस्था भली भांति बनी हुई है और किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं है और लगातार नजर बनाए हुए हैं और पर्याप्त फोर्स यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई है। देखिए, धारा 144 प्रभावी है और जो नामांकन क्षेत्र है जहाँ पर लोगों का आना जाना है, कुछ चीज़ों में उसमें धारा 144 में जो छूट दी गई है नियमानुसार उसमें ऑर्डर में मेंशन है, उसके अतिरिक्त अगर उसका उल्लंघन किया जाता तो नियमानुसार जो विधि है उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 6, 7 और 8 सितंबर के मध्य जो है लक्सर विकासखंड में प्रधान पद, सदस्य ग्राम पंचायत और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए टोटल 12 काउंटर लगाए गए हैं। प्रधान और सदस्य क्षेत्र प्रधान और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 8 काउंटर लगाए गए हैं न्याय पंचायतवार, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए जो 4 काउंटर लगाए गए हैं, उसमें 1 से 10 जो वार्ड हैं क्षेत्र पंचायत के वो 1 AR को दिए गए हैं। इस प्रकार टोटल हमारे विकासखंड में 12 काउंटर चल रहे हैं, जो विधिवत रूप से पर्याप्त स्पेस सभी जगह
जो प्रत्याशी उनके लिए नॉमिनेशन के लिए लगाया दिया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ तक धारा 144 की व्यवस्था है, पर्याप्त पुलिस बल विकासखंड परिसर में है, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। प्रत्येक नॉमिनेशन सेंटर पर भी जो है पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है और समय समय पर खंड विकास अधिकारी और SDM साहब जो है उनके द्वारा भी और उच्चाधिकारी द्वारा भी जो है समय समय निरीक्षण किया जा रहा है, जो भी खामियां हैं उसको जो है दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगडंडे की अध्यक्षता में सतपुली तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस तहसील दिवस पर 45 लोगों ने अपने अपने समस्याओं को उठाया, जिनमें से 26 समस्याओं का निस्तारण मौके पर किया गया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे छाए रहे। साथ ही राशन कार्ड, ग्राम सभाओं के भी कई मुद्दे उठाए गए। सबसे ज्यादा PWD विभाग की समस्याएं सामने आई। आज तहसील दिवस सतपुली में आयोजन किया गया और इस आयोजन में CDO पौड़ी, SDM सतपुली और समस्त जिला स्तरीय अधिकारी ने प्रतिभाग किया है। जनता की ओर से आज के इस तहसील दिवस कार्यक्रम में हमने 45 शिकायतों को प्राप्त किया, उसमें से प्रमुख शिकायतें जो हैं वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संस्थान पौड़ी विभाग को अधिक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो अधिक संख्या में PWD के रोड निर्माण को लेकर और उनके मुआवजे के वितरण को लेकर प्राप्त हुई हैं। अन्य शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो ग्राम विकास विभाग की हैं, जिसमें पुश्ता निर्माण है या योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिन शिकायतों का समाधान जनपद स्तर पर हो सकता है उनको तत्काल रूप से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अगले 15 दिन के भीतर सभी शिकायतें निस्तारित की जाएंगी और जहां पर जनता ने शिकायत किया कि उनका बिजली का बिल अधिक आ रहा है या फिर वहां पर पानी की समस्या आ रही है, तो इन सभी मामलों में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि संबंधित विभागीय अधिकारी अगले 3 दिनों के भीतर ग्राम पंचायत में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे और जो शिकायत का स्वरूप है उसकी जाँच करते हुए उसका समाधान करने का मौके पर प्रयास करेंगे। सर, सभी लोग शिकायत लेके यहीं पे आते हैं, लेकिन यहाँ की जो पानी की शिकायत है उसको लेके कहाँ जाएंगे? पानी की योजना यहाँ पे पूर्व में संचालित की जा रही थी, वर्तमान में पानी का कुछ समस्या उत्पन्न हो गया, मरम्मत के लिए उनकी जो DPR है मैंने DPR बनाने के लिए बता दिया है। तहसील का ही बात किया जा रहा है, तहसील परिसर का जो पेयजल योजना है उसकी मरम्मत के लिए DPR बनाने के लिए बता दिया है और उसका शीघ्रता से उसको धनराशि अवेलेबल करा दी जाएगी। हमारे पास धनराशि उपलब्ध है और जैसे ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ अगले 15 दिन के भीतर ये समस्या का समाधान हो जाएगा। खानपुर के लंडोरा क्षेत्र के गांव थिथोला के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में पुलिस मुखिया DGP अशोक कुमार ने विजिट किया। IOC के प्रशासनिक भवन के साथ ही कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया। IOC के ऑयल कंट्रोल की आउटपुट और इनपुट की भी जानकारी ली गई। पिथौरागढ़ के धुंगतोली में आजकल बाघ का आतंक फैला है। अनिराम एक गरीब परिवार से आते हैं, बकरी पालकर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। सुबह रोज की तरह बकरी चराने वो जंगल गए थे, अचानक बाघ ने उनकी 8 से 10 बकरियों पर हमला कर दिया। किसी तरह अनिराम अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन उनकी बकरियां बाघ का चारा बन गई। मसूरी के MT रोड फायर स्टेशन के पास एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस फायर स्टेशन के जवान और 1 SWAT एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे 2 लोगों को निकालकर 1 SWAT एम्बुलेंस से उपजिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया गया। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस मसूरी गांधी चौक पर सवारियों को उतार कर वापस MT रोड फायर स्टेशन के पास बस को पार्क कर रहा था कि अचानक बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। से मुझे पता चला कि एक MT रोड पे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मैं अपने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचा, वहां पर पुलिस और फायर के जवानों से जिसको कराकर दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकालने के संभव तो दोनों ड्राइवर कंडक्टर थे उसमें और उनको यहाँ जिला चिकित्सा हमारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में दाखिल किया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और देखने में सामान्य तो सामान्य चोटें होंगी, हाथ पाँव पे चोटें आएंगी। घटना का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि बस पूरी खाई में जा गिरी? घटना का कारण संभवतः जांच पे यह है कि एक सवारी छोड़ के आ रहा था और पार्किंग कर रहा था और गाड़ी वहाँ पर गिर गई है, बाकी इसमें पुलिस जांच कर रही होगी घटना का कारण। माल रोड से इधर से गांधी चौक से इधर आई गाड़ी, तो इधर हमारे स्टेशन से आगे निकली तो ये नीचे आवाज से आई, तो हम लोग सभी कर्मचारी बाहर आए तो बस अनियंत्रण होकर नीचे गहरी खाई में गिर गई थी और जैसे ही हमें पता लगा तो हम तुरंत आके हमने तुरंत रजिस्टर किया और घटनास्थल पे जाके 2 आदमी सवार थे उसमें, दोनों को निकाल के सुरक्षित घायल हैं वो और उनको अस्पताल पहुँचा निकाले। उनमें चोट काफ़ी लगी है, हल्के सर हल्की फुल्की चोटें हैं उनपे, फिलहाल उनको अस्पताल जी सर। हाँ, विकासखंड मुंसारी के मतकोट टू गोरीपार क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग छीजा के समीप शटांडर रखने से बाधित हो गया, जिसके कारण वाहन स्वामी और ग्रामीण घंटों तक इंतजार करते रहे।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत कूड़ा एकत्रीकरण, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित को लेकर उत्तरकाशी में विशेष जन जागरूकता और स्वच्छता अभियान चलाया गया। बुधवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला के नेतृत्व में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता राणा चौहान, एसडीएम चतर सिंह चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश चौहान, स्वजल और नगर पालिका द्वारा टीचर कॉलोनी, पुलिस कॉलोनी, विश्वनाथ चौक, कुड़ियाल भवन समेत मोहल्लों में घर घर जाकर सूखा और गीला कूड़ा सेग्रीगेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। नगर उत्तर काशी में एक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभियान चल रहा है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मैम और हमारे प्रशासन के अधीन और नगर पालिका के सीईओ और कर्मचारी मैम सभी साथ दे रहे हैं और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों को हम पूरा एकत्रीकरण और उसके प्रतिकरण के बारे में जागरूक कर सकें और सब लोगों को घर में ही जिनके पास जगह है उसमें कंपोस्टिंग करने के लिए प्रेरित करने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नगरवासियों को हमें इस कार्य में भरपूर सहयोग मिलेगा और आने वाले दिनों में नगर की जो पूरा एकत्रीकरण की व्यवस्था है, प्रतिकरण की व्यवस्था है, उसको हम और बेहतर बना सकेंगे। और डोर टू डोर आजकल हम दो दिन से लगातार जा रहे हैं, लगभग एक महीने तक जी इसमें जाते रहेंगे। व्यापार मंडल का जो भी सहयोग इसमें होगा भरपूर करेंगे, सहयोग देंगे। और जैसे हमने कहा कि मैंने डीएम साहब से कहा कि जैसे कलेक्ट्रेट हमारी कॉलोनी है, सरकारी कर्मचारी उनको भी एक आदेश टाइप में दीजिएगा कि मतलब लोग क्योंकि उनमें जगह है तो उसमें अपने शॉर्ट फिट बना के उसमें कूड़ा एकत्रित करें। इसी तरह से बहुत जगह जैसे इंटर कॉलेज में सरकारी कॉलोनी है उसमें बार बार जगह, बाकी जो वो गीला कूड़ा वो सूखा कूड़ा ये सख्त आदेश नगर वाले को दिया जाए कि वो अलग अलग ले आए, क्यों होता है क्योंकि हम घर से इकट्ठा करते हैं वो एक ही जगह जाता है। चमोली के विकासखंड पोखरी के राव मावी बीना में अध्यापकों और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चल रहे अभिभावकों का कल छठवें दिन धरना समाप्त हुआ। विधायक राजेंद्र भंडारी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को ठीक करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हड़ताल समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि अंग्रेजी और व्यायाम और संस्कृत विषय पद पर लंबे समय से रिक्त होने से अभिभावक नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी थी। सारे विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं, अब विशेष करके जो दूरस्थ के विद्यालय है वहाँ तो शिक्षकों की भारी कमी हो गई है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पहाड़ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। जो सुगम के विद्यालय हैं, जो मैदानी क्षेत्र के विद्यालय हैं, जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं, वहाँ तो शिक्षकों की भरमार पड़ी हुई है, और जो दूरस्थ के विद्यालय हैं वहाँ पर कौन पढ़ाएगा। हमारे घर गाँव में गरीब गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षकों की तत्काल प्रभाव से नियुक्तियाँ होनी चाहिए। और जब तक स्थानीय स्कूलों में विद्यालयों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक हमारा गांवों के जो बच्चे हैं वो पलायन से रुक नहीं पाएंगे। पलायन का एक मुख्य कारण ये भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। सर जी को भी पीरियड लेने का पूरा हुआ है, उनको भी जो चार्ट बनता है उस चार्ट के अंदर उनको भी महीने में हर हाल में पढ़ाने के, टीचिंग करने के आदेश हैं, और अगर नहीं पढ़ाते हैं तो ये अनुशासनहीनता है, उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके अधिकारी जो अधीनस्थ अधिकारी है वो उनसे वार्ता करेंगे और वो भी निश्चित रूप से क्लासों को लेंगे। माननीय विधायक, हमारी आज तक छठवां दिन आगे हड़ताल का चल रहा है और हमारे पास शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं आया, हमारे सुध लेने वाला कोई नहीं था। माननीय विधायक जी देहरादून से तुरंत उनको मीडिया के द्वारा, उनको सोशल मीडिया के द्वारा पता चला और वो तुरंत हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और विधायक जी हमारे धरना स्थल पर पहुंच गए। माननीय विधायक जी क्योंकि सत्ता में नहीं है और हमको पता है कि पोखरी में, पूरे पोखरी में या पूरे चमोली जिले में या पूरे पहाड़ के विद्यालयों में स्थिति यही बनी हुई है। सरकार ने कई समय बाद ये ट्रांसफर नीति चालू की, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। तमाम जो टीचर हैं प्लेन में पलायन कर चुके हैं देहरादून में, पहाड़ के सारे विद्यालयों में सुने स्थिति चल रही है। हमारा विधायक जी के कहने पे इंग्लिश का टीचर यहाँ पर आ गया है और हमारी जो मांग थी संस्कृत और विज्ञान का टीचर, माननीय विधायक जी ने शिक्षा अधिकारी से दूरभाष द्वारा हमारी बात कराई है। शिक्षा अधिकारी जी ने और माननीय विधायक जी ने शिक्षा अधिकारी को कहा है कि जैसे ही आपके यहाँ कोई पद आता है, गेस्ट टीचर का आया हो या प्रमोशन वालों का आया हो या सरकार का कोई
अध्यापक आता है तो सबसे पहले नियुक्ति बीना विद्यालय में की जाएगी, विधायक जी के आश्वासन पे, राजेंद्र भंडारी जी के आश्वासन पे, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी जी के आश्वासन पे हम अपना धरना आज 6 तारीख को समाप्त कर। जिला प्रशासन ने रामनगर के ग्राम छोई में बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने बताया कि छोई में कृषि भूमि के नाम से ली गई 5 एकड़ जमीन को व्यवसायिक रूप से बेचने की सूचना पर जमीन की बिक्री पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि साथ ही संबंधित जमीन पर धारा 166 के तहत भूमि को सरकार के अधीन करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नहीं, उसमें जो जमीन थी उन्होंने उसकी परमिशन ली और परमिशन लेकर कृषि के लिए खरीदी, उसके बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि उसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे द्वारा डीएम साहब को उसमें रिपोर्ट भेजी गई कि इसमें जो उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए, और हमने जो है धारा 167 के अंतर्गत भी उसके कार्रवाई के लिए लिखा, तो उसके तहत जो है डीएम साहब के कार्यालय से जो है उस पर अग्रिम आदेशों तक रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है और 167 की कार्रवाई गतिमान है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।